चुनावों में आगे बढ़ते हुए बीजेपी का मजबूत किला होने के बावजूद पार्टी अभी तक जयपुर शहर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई। दूसरी सूची के इंतजार के बीच दावेदार बेचैन हैं। इनमें वर्तमान सांसद से लेकर पार्टी के कई दिग्गज भी शामिल हैं। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष तक इसमें शामिल हैं। आखिर जयपुर शहर का टिकट किसके खाते में आएगा, इसे लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के सियासी रण को भेदने के लिए बीजेपी ने नई व्यूह रचना रची, जिसमें कई सांसदों के टिकट भी काटे जा रहे हैं। लेकिन कुछ सांसद अपने टिकट को लेकर आश्वस्त भी हैं, जिनमें पहला नाम है जयपुर से सांसद रामचरण बोहरा का। 2014 और 19 में जयपुर से जीतने वाले बोहरा को पूरा विश्वास है कि पार्टी इस बार भी उन पर ही भरोसा जताएगी। पार्टी का हर कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय को मानने को तैयार रहता है और उस आदेश पर कार्यकर्ता काम करता है। तो हूँ, जो पार्टी निर्णय करेगी उसमें मेरी पूरी सहमति है, पूरी मेरा सहयोग है और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का हर आदेश मानने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बोहरा का रास्ता बिल्कुल सपाट है। उनके सामने अपनों की चुनौती भी है, जिनमें सबसे बड़ा नाम अरुण चतुर्वेदी का। कहा जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें लोकसभा लड़ाने की बात कही थी, इसलिए ही उन्हें सिविल लाइन से विधानसभा का टिकट भी नहीं दिया गया था। लेकिन राजनीति में कब और क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे मैंने कहा कि मैं कभी टिकट के लिए प्रयास नहीं किया। उचित जगह पर विषय रखना, उसके बाद संगठन के निर्णय का सम्मान करना, दो चीज़ बाल्यकाल से सीखी, उसी चीज़ पर अमल करता हूँ। और हर कार्यकर्ता से कहूँगा कि हमने संगठन में काम करने का व्रत लिया है, इसलिए संगठन के सामने अपना खुले मन से विषय रख देना चाहिए, जो निर्णय है उसकी पालना। वहीं शैलेंद्र भार्गव भी टिकट की दौड़ में बताए जा रहे। भार्गव का राजनीतिक सफर बीजेपी के साथ ही रहा है। पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी में बहुत सारी चीज़ों पर विचार करते हुए टिकट दिया जाता है। टिकट दिया तो निश्चित रूप से जीतेंगे, अन्यथा जिस भी व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी उसके लिए काम करेंगे। कि टिकटों का काम पूर्णतः पार्लियामेंट्री बोर्ड पर है और उनका अपना सर्वे भी है और उनका फीडबैक भी है और प्रदेश के लोगों की सिफारिश भी है, उसके आधार पर वो काम करेंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी भारी पड़ेगी, लेकिन जयपुर से टिकट किसे मिलेगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। पर लगता यही है कि रामचरण बोहरा एक बार फिर टिकट की रेस में काफी आगे निकल गए हैं, पर अरुण चतुर्वेदी भी नाउम्मीद नहीं है। तो शैलेंद्र भार्गव ने भी उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा है। जब तक टिकटों की घोषणा नहीं हो जाती तब तक भला टिकट का ख्वाब पालने में आखिर बुराई भी क्या है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो जब तक टिकटों की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक उम्मीदें कायम है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर झुंझुनू में आज झुंझुनू, सीकर और अलवर लोकसभा क्षेत्रों की संयुक्त क्लस्टर बैठक हुई, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश के सह प्रभारी विजया राहटकर ने संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता मुरारी सैनी समेत कई कांग्रेस नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई गई। क्लस्टर और कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने अब तक की समीक्षा की और आगामी कार्य योजनाओं को साझा किया। बैठकों के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 25 की 25 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी ही जीतेंगे। कहना चाहता हूं उन लोगों के लिए का जो झुंझुनू के अंदर नहर के नाम पर वोट मांगते रहे, उद्घाटन शिलान्यास करते रहे, उन्होंने एक कदम भी बढ़ाने का काम नहीं किया। मैं कह सकता हूँ कि सीकर, झुंझुनू, चूरू ये राजस्थान के वो जिले हैं, यहाँ के उद्योगपति, यहाँ के जवान, यहाँ का किसान बहुत ही मजबूत है। देखिए, प्रमुखता से हमारी क्लस्टर बैठक थी जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उसमें उपस्थित थे। आगामी कार्य योजना क्रियान्वयन और उसका
तैयारी को लेकर आज बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें उपस्थित थे और मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जनता ने फिर से कमल खिलाने का 25 के 25 कमल खिलाने का एक निर्णय कर लिया है और पार्टी के साथ पार्टी से आगे जनता चल पड़ी है कि राजस्थान में और देश में फिर से कमल खिलाना है और फिर एक बार मोदी सरकार ये पार्टी का नारा नहीं बनकर अब ये जन जन का नारा बन गया। न नेता है, न नीति है, न नियत है, इसलिए कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति जनता ने तो उनको नकार दिया लेकिन उनके पार्टी के जनप्रतिनिधि और नेताओं ने भी उनके प्रति अब विश्वास नहीं रहा। और अब बात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सादगी की करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सादगी एक बार फिर से सुर्खियों में है। कभी थड़ी पर बैठकर चाय पीने तो कभी रेहड़ी के सामान खरीदने वाले सीएम अपनी नई तस्वीर से प्रदेशवासियों को आश्वस्त कर रहे हैं कि इस बार सीएम की कुर्सी पर वो शख्स बैठा है जिसे आम आदमी के सुख और दुख संघर्ष की गहरी समझ है। जनता के बीच सीएम आम आदमी के सीएम का अलग अंदाज दिखाई दिया। गन्ने के रस की दुकान पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ठहरे, सड़क पर सीएम को देखकर लोग ठिठक गए। सीएम ने वहां पर फल भी खरीदे, यूपीआई से भुगतान भी किया और सीएम की सादगी ने एक बार फिर से लोगों का दिल जीत लिया। राज बदल रहा है और ये हम नहीं बल्कि तस्वीरें कह रही हैं। वरना गन्ने के रस की दुकान पर सूबे के मुखिया का यूं नजर आना कहां संभव होता था। पुराने जमाने में भले ही राजा महाराजा प्रजा का सुख दुख जानने के लिए भेष बदल कर निकलते थे लेकिन धीरे धीरे वो दौर किस्से कहानियों तक सिमट गया। अरसे बाद सियासत की नई तस्वीर देखने को मिल रही है। वैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपनी सादगी के लिए अलग ही पहचान रखते हैं। कभी चाय की थड़ी पर तो कभी मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रदेश के मुखिया को अपने बीच पाकर लोगों को एक बार अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। बहरहाल तस्वीरें झुंझुनू की है जहां सीएम साहब अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। दरअसल कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री झुंझुनू हवाई पट्टी के लिए जा रहे थे। अचानक रेलवे स्टेशन के पास फलों की रेहड़ी देख करके उन्होंने अपने काफिलों को रुकवा लिया और खुद गाड़ी से उतर करके रेहड़ी वाले से केले और अंगूर खरीदे। खरीदारी के बाद यूपीआई से 180 रुपए भुगतान किया। उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी नजर आए। स्टाफ को गन्ने का जूस पिलाने के साथ भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी ने गन्ने के रस से खुद को तरोताजा किया। वही सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ज्यादा कुछ तो नहीं कहा पर इतना जरूर कहा कि निकलते हैं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो लेना तो पड़ेगा ही। सोचिए जिस तक पहुंचने का विचार एक सामान्य आदमी के कल्पना में भी नहीं आए उसे सामान्य ग्राहक की तरह अपनी दुकान पर खड़ा पाकर गन्ने वाले को कैसा महसूस हुआ होगा। बताने की जरूरत नहीं कि ऐसी तस्वीरें सिस्टम पर सवाल उठाने वालों में नया भरोसा पैदा करती हैं। आम आदमी को विश्वास पैदा होता है कि उनके साथ दुकान पर खड़ा होकर गन्ने का जूस पीने वाला उनकी गुहार पर जरूर गौर फरमाएगा, उनकी मुश्किलों का जरूर हल निकालेगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह की रिपोर्ट। और अलवर शहर के विधायक और वन मंत्री संजय शर्मा की सादगी एक बार फिर से चर्चाओं में है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राजगढ़ के रेबारपुरा गांव में मंत्री संजय शर्मा नरेगा श्रमिकों के साथ भोजन करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने महिलाओं से बातचीत भी की और उनके साथ टिफिन भी शेयर किया। देखिए तो मंत्री संजय शर्मा की सादगी जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये सादगी खूब चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी के साथ वायरल की जा रही हैं जहां पर महिलाओं ने उनके सामने टिफिन खोल दिए। और खबर भरतपुर से है जहां पर एक युवक ने अपनी प्रेमिका की चाकू घोंपकर हत्या कर दी।
वारदात को अंजाम देने के बाद युवक ने खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की, अपने हाथ की नसें काट ली। ये घटना मथुरा गेट इलाके में हुई। मृतका की पहचान पूनम निवासी सहयोग नगर भरतपुर के रूप में की गई, जबकि आरोपी प्रेमी कामा तहसील के नोनेरा गांव का रहने वाला है। तो युवक ने प्रेमिका की हत्या की, फिर खुद भी सुसाइड की कोशिश की। प्रेमिका की हत्या के बाद उसने खुद के हाथों के भी नस काट लिए। हालांकि राहत की बात यह है कि युवक की जान बच गई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वजह क्या रही, ये फिलहाल जांच का विषय है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर इस घटनाक्रम के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। एक सनकी युवक जिसने सबसे पहले अपनी प्रेमिका का गला काट दिया, धारदार हथियार से निर्मम तरीके से अपनी प्रेमिका की हत्या की और उसके बाद खुद भी सुसाइड की कोशिश की। और खबर कोटा से है। अगवा छात्रा के मामले में एसपी अमृता दुहन ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि लड़की का अपहरण नहीं हुआ, बल्कि छात्रा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर साजिश रची थी। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोटा से छात्रा के अपहरण मामले में बड़ा खुलासा। एसपी अमृता दुहन ने दी बड़ी जानकारी। एसपी अमृता ने छात्रा के अपहरण से किया इनकार। सोमवार से कोटा पुलिस नीट की तैयारी कर रही छात्रा के अपहरण मामले को सुलझाने में लगी थी और आखिरकार पुलिस के हाथ बहुत बड़ी लीड लगी है। एसपी अमृता का कहना है कि अब तक की जांच से यह साफ हो गया है कि छात्रा का अपहरण नहीं हुआ था और वो जहां भी है सुरक्षित है। हमने अनुसंधान किया है, उसमें यही अपडेट आई मिली है हमें। कई हमें इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं कारित की गई है, किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ है। ये एक तरह से अभी तक हमारे सामने जितने भी साक्ष्य हैं उसे झूठी प्रतीत होती है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि अगस्त महीने में छात्रा अपनी माता के साथ कोटा में एडमिशन के लिए आई थी। दो दिन वो कोटा में भी रही, लेकिन उसके बाद वो इंदौर चली गई। यानी साफ है कि वो कोटा में रहकर पढ़ाई नहीं कर रही थी। तो ये बात जरूर है कि वो जैसे पिछली अगस्त को, 3 अगस्त को जो बच्ची है अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने को एनरोल कराने के लिए, माता जी उसकी वापस शिवपुरी उसी दिन चली गई थी और वहाँ यहीं पर एक जो हॉस्टल है वहाँ पर वो रुकी। पुलिस ने छात्रा के एक साथी को इंदौर से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जिसने अपहरण कांड की पूरी सच्चाई बयां कर दी। पुलिस की माने तो पूरी साजिश विदेश में पढ़ाई के लिए की गई थी। जो बच्ची है उसके साथ वो दो दोस्त हैं, उनमें से जो एक दोस्त है वो हमें इंदौर में मिल गए हैं और उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है वो यही बताई है कि बच्चे जो है मतलब ये जो बच्ची है और उसके साथ जो मित्र है वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे, उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाए। सोमवार से कोटा पुलिस पूरी शिद्दत के साथ मामले की जांच में जुटी। कई टीमें बनाई गई थी। इस बीच एक सीसीटीवी भी सामने आया था जिसमें दावा किया गया था कि वो जयपुर के दुर्गा बस स्टैंड का है जहाँ पर छात्रा इंदौर से पहुंची थी। मेरी आवाज उन बच्चों तक पहुँच रही है जो एक बच्ची और उसके साथ जो साथ में दोस्त है कि हम भी परेशान हो रहे हैं, परिवार वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं और आप सकुशल हैं, इस चीज़ की हमें बहुत एक रिलीफ है, आप जहां पर भी हैं आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। पुलिस छात्रा से घर लौटने की अपील कर रही है। वहीं दूसरी तरफ छात्रा और उसके दोस्त की जानकारी देने वाले को 20,000 रुपए इनाम देने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है, लेकिन ये घटना उन सभी माता पिता के लिए एक सबक है जो बच्चों की बातों पर आंख बंद करके यकीन करते हैं।
कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे रॉयल्स में राजस्थान नहीं, पिंक सिटी में आईपीएल के मैचों का आगाज होने जा रहा है। प्रदेश भर से खिलाड़ी यहां की होम टीम राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करने सवाई मानसिंह स्टेडियम में आएंगे, लेकिन इस बार क्रिकेट फैंस के मन में टीम से खास जुड़ाव महसूस नहीं होगा। इसके पीछे वजह क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। बाईस मार्च से आईपीएल का आगाज होने जा रहा है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 24 मार्च को राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स की भिड़ंत होगी। इसके लिए एसएमएस स्टेडियम को राजस्थान रॉयल्स की ड्रेस और गुलाबी नगरी की पिंक थीम पर सजाया जा रहा है। स्टेडियम की सीटों का रंग स्काई ब्लू से बदल करके पिंक कर दिया गया है, यानी आईपीएल के आयोजन को यादगार बनाने की पूरी तैयारी है। लेकिन ये कैसी तैयारी और कैसा आयोजन, जब घरेलू टैलेंट को ही हाशिए पर धकेल दिया गया हो। वैसे तो आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स राजस्थानियों की टीम कही जाती है, लेकिन राजस्थान रॉयल की टीम में मौजूदा समय में प्रदेश का एक भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। राजस्थान रॉयल्स राजस्थान की टीम है, इस टीम में राजस्थान के खिलाड़ी ना होना ये अपना एक बड़ी बड़मना का विषय है। जब बात राजस्थान की जाए तो इस टीम में राजस्थान खिलाड़ी होने चाहिए। पहले भी कुछ खिलाड़ियों को राजस्थान रॉयल्स ने मौका दिया, लेकिन वो खिलाड़ी 11 में खेलते नजर नहीं आए। राजस्थान रॉयल्स की टीम भले ही राजस्थान के खिलाड़ियों को मौका ना दे, लेकिन आईपीएल की दूसरी टीमों में राजस्थान के स्थानीय खिलाड़ी न सिर्फ नजर आ रहे हैं बल्कि अपने प्रदर्शन की छाप भी छोड़ रहे हैं। इनमें दीपक चाहर, राहुल चाहर, रवि विश्नोई, खलील अहमद, महिपाल लामरोर और कमलेश नागरकोटी ऐसे नाम हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अपना दमखम दिखा चुके हैं। लेकिन अफसोस, आईपीएल के लिए जब नीलामी होती है तब शायद रॉयल्स मैनेजमेंट राजस्थानी खिलाड़ियों को कंसीडर नहीं करता, जबकि दूसरे राज्यों से जुड़ी टीमों में वहाँ के स्थानीय खिलाड़ियों को भरपूर मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई टैलेंट की कमी है या इस तरह से, लेकिन ये फ्रेंचाइजी की कमी मानी जा रही है। ऊपर से फ्रेंचाइजी के ऑनर्स जो हैं, उनके जो टीम प्रबंधन है राजस्थान रॉयल, वो ये कह रहा है कि राजस्थान में टैलेंट की कमी है। मैं उनके इस बयान को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि राजस्थान रॉयल्स ने कभी राजस्थानी खिलाड़ियों को टीम में नहीं दिया, लिया तो जरूर लेकिन नाम मात्र के लिए और गिने चुने ही। लीग के शुरुआती सीजन की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों को टीम में जरूर शामिल किया था, जिनमें पंकज सिंह, दिशांत याग्निक, गजेंद्र सिंह, अशोक मीनारिया, दीपक चाहर, महिपाल लामरोर, शुभम गढ़वाल, आकाश सिंह और सुमित खत्री जैसे नाम हैं। मगर आईपीएल के 17वें सीजन में रॉयल्स की टीम में कोई भी राजस्थान का खिलाड़ी मौजूद नहीं है। राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन अपनी कमी स्वीकार करता है कि राज्य में नियमित टैलेंट हंट कराने में नाकाम रहे। But we make a commitment to you in the next 5 years, at least there should be 5 to 7 players in the IPL. हालांकि IPL BCCI का एक डोमेस्टिक और व्यावसायिक टूर्नामेंट है जहां इसकी टीमों में नीलामी के जरिए खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त होती है, लेकिन राज्य की टीमों के साथ फैंस का भी अपना एक जुड़ाव होता है जो उन्हें अपनेपन का एहसास कराता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट।